Hello everyone, welcome to Only IS. In the series of Indian Economy for Prelims 2022, we are discussing the economic survey. We had already covered the 8 chapters of economic survey. Now only 2 chapters were left. One is social infrastructure and employment that we are doing right now. And apart from that, industry and infrastructure that we will do as the last chapter. Okay, so let's start with the chapter number 10, that is social infrastructure and employment. It is a that kind of chapter. ये कैसे इस तरह का chapter है कि जिसमें हमारे social infrastructure, जो हमारे health है, educational standard of living है, उसके ऊपर बात करी जा रही है and apart from that employment के ऊपर बात करी जाएगी. तो एक common chapter है, एक basic chapter है, जिसमें से काफी चीजें तो ऐसी हैं जो हम लोगों को पता है starting से, that we know कि what are the issues in India, skill development नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द सोशल डेवलपमेंट में वी नीड टॉयलेट्स, डिफरेंट सैनिटेशन, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड सो ऑन. उसके ऊपर ये चैप्टर बात करता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर. सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही एग्रीगेट अगर लिया जाए तो अराउंड 71 लाख करोड़ दे स्पेंड ऑन सोशल सर्विस. There is an increase of 9.8% over 2020. So central government, state government realized this importance of social sector expenditure. That's why they had increase in aggregate expenditure of 71.61 lakh crore for spending, and it increases to 9.8%. Apart from that, Bharat Sarkar ne isi dauran National Health Mission mein they announced the Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. इट्स अ न्यूली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. आप सबको पता है आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, जो आयुष्मान भारत स्कीम थी, बहुत सक्सेसफुल रही ये स्कीम. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंश्योरेंस को बेहतर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी. ऑब्जेक्टिव था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करना. 64,000 करोड़ ऑलमोस्ट इसमें स्पेंड करे गए टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन, नए इंस्टीट्यूशन बनाना जिसमें जो न्यू और इमर्जिंग डिजीजेज हैं उनकी टेक केयर की जाए. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हेल्थ केयर तीनों सिस्टम में, प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है जैसे आपका बेसिक, कि आपके जैसे जो हॉस्पिटल्स में बेसिक सर्विसेज है ना, मेडिसिन एंड ऑल दैट. सेकेंडरी में आता है कि प्रॉपर हॉस्पिटल बेड्स हैं एंड ऑल दैट. एंड टर्शरी में आता है कि एम्बुलेंस सर्विसेज और जो बाकी सर्विसेज हैं दे मस्ट बी देयर. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये कहा गया कि सरकार का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसे हमें 2.5% ऑफ जीडीपी तक लेके जाना है बाय 2025. करंटली इट इज अराउंड 1.3%. अभी करंटली ये 1.3% है. दैट्स वेरी वेरी लेस. द स्केल ऑफ पॉपुलेशन, जो भारत की पॉपुलेशन है और जो जीडीपी कंपोनेंट है उसके हिसाब से इट्स वेरी वेरी लेस, 1.3% ओनली. We want it to increase to 2.5% of our GDP by 2025. Although we are struggling for that, currently it is 2.1% of GDP in 2021-22. ठीक है, बहुत कम है. खैर ये कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए आपकी GDP, तो आप 2 रुपए हेल्थ पे खर्च करते हो. That's very very less. We need to enhance it to 5 rupees. ठीक है, we need to increase it to at least 5% by next 10-15 years. देखा जाए तो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन सेक्टर में है उसे पे सरकार ने बहुत फोकस किया एंड इट इंक्रीजेस टू 20% 2020-21. प्रेजेंटली इट इज 3.1% ऑफ जीडीपी. दैट्स गुड इनफ, बट स्टिल वी आल्सो नीड टू इंक्रीज इट टू 5%. ये हमारा टारगेट होना चाहिए. फिलहाल सरकार ने 20% एक्सपेंडिचर इसमें इंक्रीज किया है. उसके लिए सरकार ने सबसे पहले टॉयलेट फैसिलिटीज, गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनवाए. दैट्स वेरी गुड. ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी आर अवेलेबल मोस्टली इन गवर्नमेंट स्कूल. अपार्ट फ्रॉम दैट, सरकार ने ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समग्र शिक्षा स्कीम्स सरकार गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट करी, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया. इन जो आपकी लैब्स बनाई स्कूल में ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाए रिगार्डिंग टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हार्डवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर और ई कंटेंट फॉर टीचिंग प्रोवाइड किया गया. बिकॉज लॉकडाउन था, कोविड था, काफी सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा था वो सारे बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के थे उनको इसमें पढ़ाया गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम लॉन्च करेगी डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. एज यू ऑल नो, कोविड था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, स्कूल सबसे पहले बंद किए जाते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट कि बच्चों को इन डिजीजों से दूर रखा जाए. तो पीएम ई विद्या स्कीम में सबसे पहले क्या किया, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन, दैट इज दीक्षा प्लेटफॉर्म. दीक्षा प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जितने भी भारत के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया जाएगा. अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र में कुछ पढ़ाया जा रहा है रिगार्डिंग टू एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, सो वो पूरे इंडिया में दैट इज सर्कुलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज और जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें आप ट्रांसलेट उसे कर सकते हैं.
देन वन क्लास वन टीवी चैनल थ्रू स्वयं प्रभा टीवी चैनल। नाउ इन दिस वन क्लास वन टीवी चैनल, देखिए इन चीजों का बहुत महत्व है। जैसे मान लीजिए गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की। अब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया कि भाई हर फ्राइडे को दिन में 12 बजे इसकी ये ट्रेनिंग वीडियो होगा 1 घंटे का। अब आपने पूरे कंट्री में स्वयं प्रभा टीवी चैनल के थ्रू माध्यम से आपने पूरे इंडिया में ये बता दिया कि हर फ्राइडे को दिन में 12 बजे ये होगा। तो जो भारत भर में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सब में 12 बजे ये कनेक्ट हो जाएगा और बच्चे जो गर्ल्स हैं वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकती हैं। रादर देन आप हर एक एक्सपर्ट को हर स्कूल में भेजो, दैट्स प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसको करते करते पूरे साल 2 साल लग जाएंगे। तो हमने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और सारे स्कूल्स में यह हमने चला दिया। देन अपार्ट हमने यूजिंग रेडियो कम्युनिटी, रेडियो एंड पॉडकास्ट, ताकि रीच और ज्यादा एनहेंस कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यांजलि स्कीम की फॉर एजुकेशन टू कनेक्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्कूल थ्रू अ कम्युनिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो स्कूल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाए, ताकि नॉलेज, स्किल शेयरिंग, एसेट, मटेरियल, इक्विपमेंट सबको आपस में कनेक्ट कर दें। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई स्कूल है, उसको हमने गुजरात के किस स्कूल के सबको कनेक्टेड है, तो दे कैन डायरेक्टली टेल अबाउट, दे कैन डायरेक्टली शेयर द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एक्सपीरियंस टीचर्स, एक्सपीरियंस पर्सन, और वो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। मान लीजिए गुजरात का कोई गवर्नमेंट स्कूल है, दे हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद देम दैट आर नॉट ऑफ यूज, दे कैन सेंड इट टू द महाराष्ट्र स्कूल एज वेल। अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने स्पेसिफिकली इस स्कीम के लिए समग्र शिक्षा स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, जितने भी भारत में पहले जो एजुकेशन स्कीम्स चल रहे थे उन सबको मर्ज करके एक स्कीम बना दी, समग्र शिक्षा स्कीम। उसमें प्री स्कूल से लेकर 12th तक के जो भी स्कूल एजुकेशन में एसेंशियल चीजें हैं वो उसमें सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। 5 साल के टारगेट्स में बनाया गया है और इसके लिए अराउंड 2,94,000 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। दैट्स अगेन अ वेरी बिग एंड मास्टर स्ट्रोक। देन निपुण भारत मिशन, निपुण भारत इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को बेसिक पढ़ाना। भारत में अभी दिक्कत क्या हो रही है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो सही, लेकिन बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है। 5th क्लास का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास की मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहा। 8th क्लास का बच्चा अभी भी बेसिक इंग्लिश नहीं समझ पा रहा, ठीक है। तो फाउंडेशनल चैलेंज बहुत ज्यादा है हमारे स्कूल में। तो इसके लिए भारत सरकार ने निपुण भारत मिशन लॉन्च किया है। ये किसके अंडर है, समग्र शिक्षा के अंडर ही आ रहा है। इस निपुण भारत मिशन में आप बच्चों को ये सिखाया जाएगा बेसिक, उनका फाउंडेशन क्लियर करवाया जाएगा, उनकी फाउंडेशनल नॉलेज बेस को एनहांस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट विल बी गिवन ट्रेनिंग। किन चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, न्यू इवॉल्विंग टेक्निक लाइक प्रोडक्शन लिंक स्कीम, पीएम गतिशक्ति को भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। और ये बहुत बहुत अच्छी स्कीम है, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। आप लोग इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज है। आप बच्चे को 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में आप उसको कौन सी चीजें पढ़ा रहे हो, आप उसको पढ़ा रहे हो अहमद शाह अब्दाली, मैं हिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझिए चीजों को। आप उसे पढ़ा रहे हो अहमद शाह अब्दाली, आप उसको पढ़ा रहे हो कोई पर्टिकुलर कल्चर, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आता है कि उसको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। लेकिन जब वो नौकरी करने जाएगा, जब अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आएंगी, जब वो किसी काम के लिए मान ली विदेश जाता है, तो उससे ये नहीं पूछेंगे बेटा तुम्हारी 8th में हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या पॉलिटी में कितने नंबर, उससे ये नहीं पूछेंगे। उससे पूछेंगे तुम्हें ऐप बनाना आता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता है, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितना पता है, और वहां अगर वो ट्रेंड हुआ तो उसको नौकरी मिलेगी। व्हाई दीज चाइनीज पीपल आर गेटिंग जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज वहां पे बेसिक से 5th क्लास से बच्चे को ये सब चीजें सिखा दी जाती है। एंड दैट्स वेरी गुड कि हमारे स्कूल में आप हिस्ट्री पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है, लेकिन आप एक पीरियड आधे घंटे का, 1 घंटे का इन चीजों का जरूर रखिए। एंड दैट्स वाई जो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये मैंडेटरी कर दिया है कि 10th क्लास के पास बच्चे को, 10th क्लास के बाद बच्चे को एक सब्जेक्ट कोई इसी तरह का लेना पड़ेगा, रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ब्यूटी पार्लर, एसी एंड ऑल दैट, इन सब चीजों का बच्चों को एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें उनका एक्सपर्टीज इंक्रीज हो, उसमें उनका नॉलेज बेस इंक्रीज हो, इसीलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और पीएम गति शक्ति को भी इसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, सो दैट दे कैन गॉट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज वेल, ठीक है। तो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, भारत सरकार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर बच्चा है, उसने पर्टिकुलर एजुकेशन ले ली, आप उसने इसमें एक्सपर्टीज हो रहा है, उसका स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको एकेडमिक क्रेडिट दिए जाएंगे। और ये एकेडमिक क्रेडिट क्रेडिट उस मतलब जैसा सर्टिफिकेशन की जैसे उसको कुछ क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे और वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। अब जैसे उसके पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो गया,
जैसे वेब डेवलपमेंट का, ड्रोन का, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, उसके पास बेहतर एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से उसको एकेडमिक क्रेडिट्स मिलेंगे। और जब वो नौकरी करने जाएगा, नौकरी लेने जाएगा, या कहीं पे जाता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो ही कैन कैरी दिस एकेडमिक क्रेडिट सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईपीजी पाठशाला, ईपीजी पाठशाला जो है स्वयं के द्वारा की जा रही है, एंड इट्स अगेन वेरी गुड स्कीम। मैंने खुद ने इसमें कुछ कोर्सेस को ऑप्ट किया है। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको पीजी नॉलेज, पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, 154 यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की हैं वो इस पोर्टल पर लिंक में आपको हजारों तरह के बुक्स, मटेरियल, रिसर्च पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे। आप उनसे पढ़ के मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडर उन्नत भारत अभियान, जो लोकल रूरल नीड्स हैं उनको पूरी करने के लिए, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, क्वालिटी वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रूरल बैकग्राउंड्स में सेटअप किए जाएंगे, ताकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकें, वहाँ के बच्चे भी स्किल एजुकेशन ले सकें, वहाँ के बच्चे भी सेंटर अर्बन सिटी से बच्चों से पीछे ना रह जाएं। सो वी फोकस ऑन अंडर दोज रूरल पीपल ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द हायर एजुकेशन, नॉट ओनली टिल 10th और 11th 12th, बट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। ठीक है, सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग फॉर एजुकेशन पर्पसेस। तो स्किल डेवलपमेंट पे आप फोकस कर लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट इज इनकरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट। और मेरा ये मानना है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन आप लोन को माफ करिए, रादर देन आप अननेसेसरी की सब्सिडीज दीजिए, उससे अच्छा है कि आप स्किल डेवलपमेंट को एनहांस करिए। आप एक व्यक्ति को स्किलफुल बनाते हैं, वो 5 लोगों को नौकरियां दे सकता है। रादर देन आप 5 लोगों को अलग अलग लोन उनके माफ करें, बिजली उनकी माफ करें, उससे अच्छा है कि आप स्किलफुल प्रोवाइड करिए। हो सकता है वो स्टार्टअप बना के हजारों लोगों को नौकरियां प्रदान कर दे। जितना ज्यादा वो स्किलफुल होगा, उतना ही वो फॉरेन कंपनीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो स्किल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्किल करना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चालू करी स्किल डेवलपमेंट की, और उसके अलावा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिए हुए थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे यहाँ पे जो आर्टिसंस हैं, जो ट्रेड है, जो लोग हैं जिन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अंडर द PMKVY। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज असीम प्लेटफॉर्म, असीम पोर्टल। इस साल के प्रीलिम्स में ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है असीम पोर्टल में, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा, जैसे ए इसके पास स्किल, इसकी किसी से मान लीजिए इसने सैनिटरी की स्किल ले रखी है, सैनिटरी का काम इसको आता है, इसके सामने इसका और इसके इसका तो पूरी डिटेल आपके सामने। बी है मान लीजिए इसको कारपेंटिंग का आता है, इसकी डिटेल्स आपके सामने होंगी। सी है मान लीजिए इसको प्लम्बर का काम आता है, इसकी सी सारी डिटेल्स होंगी। तो यू कैन इजीली गेट टू नो कि आपको किस तरह का काम करवाना है, कौन सा व्यक्ति है, क्या उसके उससे आप डायरेक्टली कंटैक्ट कर सकते हैं और उसको अपने काम करवाने के लिए बुला सकते हैं। जैसे अर्बन क्लैप है, आपने सुना होगा, अर्बन क्लैप प्राइवेट का काम करता है, वही असीम पोर्टल यही सेम चीज गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रही है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल संपन्न हितग्रत योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्किल प्रोवाइड करना मार्जिनलाइज पीपल, स्पेशली एससी एंड एसटी को। जो एससी एसटी लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, इनको स्किल प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करवाना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव। देन लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ, आयुष्मान भारत स्कीम। यू ऑल नो आयुष्मान भारत स्कीम में इंश्योरेंस कवरेज एनहांस किया, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। अराउंड 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है उनको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम शुरू करी गई है। हॉस्पिटलाइजेशन कवर करके 10.74 करोड़ पीपल को इसमें शामिल किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिएशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पे बेहतर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मेटरनल हेल्थ सर्विसेज, फ्री एसेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। दिस इज ऑल कम अंडर द आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक रिवॉल्यूशनरी स्कीम है फॉर हेल्थ केयर एक्टिविटीज, जिसमें इंश्योरेंस कवर के साथ साथ आपको मेडिसिन फ्रीनेस, मेडिसिन फ्री हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश करे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एसेंशियल ड्रग्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, दिस ऑल कम अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ई संजीवनी, ई संजीवनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे अगर COVID-19 में स्पेशली क्योंकि डॉक्टर्स जो थे उनकी भी रिस्क थी, हेल्थ केयर जो वर्कर्स थे उनको भी प्रॉब्लम थी, फिर ये भी नहीं पता था कि किससे कोविड किसको फैल जाए, तो इसमें टेली कंसल्टेशन का स्कीम शुरू किया गया। आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट
आप टेलीमेडिसिन सर्विस को लेकर ऑलमोस्ट भारत के 36 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और यूटीज में इसको स्टार्ट किया गया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पे जाके जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब कोविड टाइम पे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रेस्ट्रिक्शंस थे, डॉक्टर्स की हेल्थ के ऊपर भी खतरा था, इसीलिए सरकार ने ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ताकि यू कैन डायरेक्टली टेक द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर ऑन जस्ट अ टेलीफोन कॉल। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पोषण अभियान। 2018 में ये लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो ICDS स्कीम थी, इसमें चिल्ड्रन जो 0 to 6 ईयर्स के थे उनको उनका न्यूट्रिशन स्टेटस, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा थी, तो पोषण अभियान में उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी। एडोलसेंट गर्ल्स जो है उनमें अनिमिया की बहुत बहुत प्रॉब्लम थी, आयरन की कमी प्रेग्नेंट वुमेन्स में काफी ज्यादा थी, तो उन सबको न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोषण अभियान। भारत में स्टंटिंग एंड वेस्टिंग भी काफी ज्यादा था, अनिमिया बहुत ज्यादा था, इन सबको रिड्यूस करने के लिए भी स्टार्ट दिस पोषण अभियान। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पीपल आर अवेयरिंग, पीपल आर नोइंग दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट गर्ल चाइल्ड इज, तो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो बहुत बेहतरीन हुआ है। इंडिया ने इसमें एक्सेप्शनल काम किया। सेक्स रेशियो पहली बार फीमेल्स जो है 1000 मेल्स से ज्यादा हो गई है, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। इवन द फर्टिलिटी रेट जो है वो भी टू बिलो टू आ गया है इन 2019-20। दैट इज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। पीपल नो कि कितना इंपॉर्टेंट है अवेयर रहना, कितना इंपॉर्टेंट है गर्ल चाइल्ड, एंड दैट इज द रीजन, दैट्स द रीजन द फर्टिलिटी रेट ऑल्सो रिड्यूस टू बिलो टू। तो दैट मीन्स हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नाउ बिकम वेरी पॉपुलर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। देन लेट्स टॉक अबाउट जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे जितना भी ग्रामीण भारत है, रूरल इंडिया है, वहां जितने भी घर हैं 2024 तक उनको टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना। टैप कनेक्शन मतलब नल का पानी। अभी क्या है भारत में, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, दूर दराज के गांव ऐसे हैं जो आज भी ओपन सोर्स ऑफ वाटर पर डिपेंडेंट है। अब उस ओपन सोर्स ऑफ वाटर में क्या प्रॉब्लम है, एनिमल जो है गाय भैंस बकरी है वो भी उसी में नहा रही है और लोग उसी से पानी पी रहे हैं, लोग वहीं पे अपने सैनिटेशन का काम कर रहे हैं और वहीं पे दैट दे आर कंज्यूमिंग दैट वाटर। तो अब क्या है, 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट बनाया है कि जितने भी ग्रामीण भारत के घर हैं उन सबको पोर्टेबल साफ पीने लायक पानी दिया जाएगा 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। 55 लीटर पर कैपिटा पर डे फैमिली के हिसाब से पानी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा अंडर जल जीवन मिशन। अगर देखा जाए तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी 2015 में 49.7 थी, दैट गेट रिड्यूस्ड टू 41। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। IMR 40.7 था, दैट इज नाउ 35.2। स्टिल ये ज्यादा है अभी, बट वी नीड टू कंट्रोल दैट। IMR इज नंबर ऑफ चाइल्ड हु एक्चुअली गेट डाइड ड्यूरिंग देयर बर्थ। स्टंटिंग 38% थी, रिड्यूस टू 36%। वेस्टिंग रिड्यूस इज 21%, रिड्यूस टू 19%। ठीक है, स्टंटिंग और वेस्टिंग भी इम्प्रूव हो रहा है एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है ये भी कम हो। अच्छा, अब आई होप आप सबको पता होगा कि स्टंटिंग क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता ही होगा स्टंटिंग क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। स्टंटिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि लो वेट जो है, लो वेट इन कंपैरिजन टू स्टंटिंग मींस व्हेन देयर इज लो वेट अंडर वेट। ठीक है, दैट इज स्टंटिंग। जब अंडर वेट होता है दैट वी कॉल्ड एज स्टंटिंग, लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट। एंड उसके अलावा जो वेस्टिंग है दैट इज लो हाइट इन कंपैरिजन टू एज। स्टंटिंग वेस्टिंग क्या है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, वेस्टिंग इज लो लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट, लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग, एंड स्टंटिंग लो हाइट इन कंपैरिजन टू एज। मैं लिख देता हूं यहां पे स्टंटिंग लो हाइट इन कंपैरिजन टू एज, इन कंपैरिजन टू एज। एंड व्हाट इज वेस्टिंग, वेस्टिंग मींस लो हाइट इन कंपैरिजन टू जो आपका होता है दैट इज वेस्ट, मतलब वेस्टिंग मतलब लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग। क्लियर हो गई, तो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन दिस थिंग एज वेल कि हम जितना ज्यादा हो सके इसको भी हम कंट्रोल करें। क्लियर हो गई बात, ये क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग, मतलब लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट, लो वेट इन कंपैरिजन टू हाइट, दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट।
अंडरवेट, अंडरवेट भी गेट रिड्यूस फ्रॉम 36 to 32%, दैट्स अगेन अ गुड साइन। देन रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जहां पे रूरल हाउस होल्ड सरकार जो है 1.95 हाउस जो है बचे हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और मोस्ट ऑफ देम आर गेट कंस्ट्रक्टेड सब्सिडाइज रेट पे, घर गांव वालों को घर प्रोवाइड करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट, और वहां पे बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, पाइप, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, लेबर, अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करना अंडर मनरेगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट द रूरल एरियाज विद ऑल वेदर रोड विद द मेजर अर्बन सिटीज, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम था कि पूरे भारत को कनेक्ट करा जाए, पूरे ग्रामीण इलाकों को मेन सिटी से कनेक्ट किया जाए। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वी आर स्टिल लिंगरिंग विद दैट, वी आर वेरी मच ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स याद करिए, मैंने आपको समझाया था, जिसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स थे एजुकेशन, वेट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, ठीक है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड था, फिर उसमें फर्दर सब डिविजन थे, एनरोलमेंट का 1/6, एजुकेशन का 1/6, दैट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट एज वेल। So that's all in today's class. I hope you get to know. Basic था आज का class, बहुत simple था, sustainable development जो chapter था उसी से linked करके हमने इसको पढ़ाया, that's why इसको हमने पहले start कर दिया employment and education perspective को देखते हुए। अब हमारा सिर्फ last एक chapter बचा है industry and infrastructure, उसके साथ हमारा economic survey हम complete करेंगे। So thank you so much all of you, take care और enjoy करिए।